क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार अब बन चुकी है, लेकिन भारत के अंदर भी हम देख रहे हैं कि मीटिंग का दौर चल रहा है। और बात अगर करें रूस की, तो रूस के एनएसए भारत के अंदर है, मुलाकात की गई है अजीत डोभाल के साथ, और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात होनी है। हालांकि अफगानिस्तान आतंकवाद और आतंकी संगठनों को लेकर बातचीत की गई है, तालिबानी सरकार आतंकी संगठन की गतिविधियों पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखे हुए है भारत और रूस, और पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे रूस के एनएसए, इस वक्त की जानकारी मिल रही है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एसएस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, समय समय पर आते रहे हैं और आपसे बातचीत करते रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं खासकर भारत के अंदर रूस के एनएसए साहब का पहुंचना और मुलाकात करना, क्या मायने आप निकालते हैं इसके, क्योंकि अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार बन चुकी है, और तालिबान की सरकार ही नहीं, आप इसे आतंकियों की सरकार भी कह सकते हैं, वो भी हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो नाम रखा गया है सामने, उनके तार यहां तक जुड़े हैं, और सबसे बड़ा नाम था जिन्हें आतंकी करार दिया गया था, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, तो क्या मायने हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ देश है जो इंतजार कर रहे हैं और तालिबान मान्यता चाहता है सभी देशों की। फिलहाल भारत के दुश्मन देश तो तालिबान को मान्यता दे भी चुके हैं। देखिए हर जी, इस समय पहले भी जब तालिबान अफगानिस्तान को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे तो ये तो ऑब्वियस था कि गवर्नमेंट तो टेररिस्ट की बनी, क्योंकि तालिबान क्या है, दैट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्टेड बाई अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी अगर हम ये सोचते हैं कि तालिबान जो है इंडिया से कुछ अच्छे लोग मंगवाएंगे, कुछ यूरोप से मंगवाएंगे, कुछ अमेरिका से मंगवाएंगे, कुछ रशिया से मंगवाएंगे और उनको गवर्नमेंट की जिम्मेवारी देंगे, तो वो सोच ही गलत है। दिस वॉज वेरी वेरी ऑब्वियस। नाउ क्वेश्चन इज कि दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन जहां पे पूरे वर्ल्ड ने अपने घुटने टेक दिए हैं टेररिज्म के खिलाफ, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, मिलिट्री इंटरवेंशन किया है उन्होंने पंजशीर और अफगानिस्तान के अंदर, एंड द काइंड ऑफ ए होल्ड उनके आर्मी चीफ वहां बैठे हुए हैं, उनके आईएसए के चीफ वहां बैठे हुए हैं, इमरान खान जो है उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये आने वाला जो खतरा है उसकी आहट अभी हमें सुनाई देनी चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने विक्ट्री परेड में अपने ह्यूमन बॉम्ब को और कार बॉम्ब को डिस्प्ले किया है, तो दैट शोज देयर मेंटेलिटी कि उनकी मेंटेलिटी में कोई चेंज नहीं आया है। दूसरी तरफ अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो वुमेन और यंगस्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अगेंस्ट अगेंस्ट तालिबान, उनको इन्होंने बुरी तरह से पीटा और उनके ऊपर गोलियां बरसाई। तो ये तो अभी एक झलक देख रहे हैं आपकी ट्रेनर जब वो पूरी तरह से पावर में नहीं आए हैं, तो जिस दिन ये लेजिटिमेसी अख्तियार कर लेंगे, उन्होंने कुछ तो कर लिया है लेजिटिमेसी, और उसके बाद इनका रूप जो है वो भयंकर होता जाएगा, और उसके लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। लेकिन पठानिया साहब, जब हम अलग अलग देशों का जिक्र करते हैं, क्योंकि ईरान की तर्ज पर तो सरकार बन रही थी तालिबान ये कह रहा था, लेकिन ईरान कहीं ना कहीं हटते हुए अब नजर आ रहा है, क्योंकि बात अगर अल्पसंख्यकों की करें या हजारा समुदाय की जिक्र करें, तो अल्पसंख्यक से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है तालिबान की तरफ से, ना ही महिलाओं को इसमें जगह दी गई है, और नए नए कानून भी लागू कर दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले हम ही ब्रेकिंग बता रहे थे अपने दर्शकों को कि महिलाएं अब खेल भी नहीं सकेंगी, तो खासकर जब हम तालिबान को देखते हैं, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वो अच्छी छवि बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ऐसे कानून लाकर ऐसी ऐसी बातें जो इस वक्त तालिबान की तरफ से कही जा रही हैं, वो किस तरीके से तालिबान की छवि को रखेगा सामने? क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मेमना हमने भेड़िए के आगे रख दिया और भेड़िया उसको खाएगा नहीं, तो दैट इज वेरी वेरी इमेजिनेबल, यू कांट रियली इमेजिन इट, ए वुल्फ विल ईट द लैम, सीधी सी बात है। जी देखिए, ईरान जो है उसने, इट्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु यू नो सेड दैट वी विल नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। बाकी आप जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पूरे दुनिया के देशों ने अख्तियार कर रखी है, आई डोंट नो व्हाट दे आर वेटिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर, एंड देयर नंबर ऑफ इंसिडेंट विच आर सपोर्टिंग इट। अच्छा, ईरान इज ऑल्सो ओनली द कंट्री विच सेज दैट वील इन्वेस्टिगेट द मिलिट्री इंटरवेंशन विच पाकिस्तान डिड इन अफगानिस्तान। That is a serious kind of a crime which a country is doing in the soil of some other country. लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है। हाँ, अभी जो चीजें हो रही हैं, जैसे आप एनएसए की बात कर रहे हैं कि हम उनके एनएसए, हमारे एनएसए से मिले हैं,
रशिया जो था वो पहले ही वॉज वेरी सपोर्टिव और उनका एम था कि अमेरिकन दे मस्ट गो अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, वो अभी अचीव हो गया है। अभी रशिया को ये लग रहा है कि तालिबान का ये जो लूज ग्रुप है दिस विल स्प्लिट सम टाइम अदर, और उनकी जो कदमों की आर्ट है वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान में आस्ते आस्ते जाएगी, और उसके बाद रशिया का जो चेचेनिया में इनकी जो वल्नरेबिलिटी है दैट विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड। सो दैट्स द रीजन दे आर प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट दैट हाउ टू कंट्रोल दिस तालिबान एंड हाउ टू स्टॉप तालिबान और अफगानिस्तान बिकमिंग ए ब्रीदिंग ग्राउंड फॉर द इंडस्ट्री ऑफ टेररिज्म। तो अभी आप इसको इसमें ये भी देखिए कि मोदी साहब को बिडेन ने इन्वाइट किया है, तो दैट मीन अमेरिका, रशिया एंड यू नो सम अदर पावरफुल कंट्री, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दे विल डिसाइड सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। साहब एक मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान का दखल तालिबान के अंदर हो रहा है लेकिन अमेरिका बिल्कुल चुप है, और अमेरिका की ये चुप्पी कहीं ना कहीं कई देशों को परेशानी में डाल रही है कि अमेरिका आखिर चुप क्यों है, इतना बड़ा देश होकर क्या अमेरिका की दूसरी रणनीति है, या फिर वाकई हैरान करने वाली बात है जब अमेरिका की चुप्पी हम देख रहे हैं ऐसे समय। देखिए मैं एज यू नो व्हाट आई फील कि कई बार तूफान के आने से पहले एक चुप्पी होती है जी। तो अगर हम ये मान के चले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे जा रहे हैं, तो ये आप ये मान के चलिए कि कुछ जो संकेत अभी मिल रहे हैं वो तालिबान के लिए अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है, चाइना के लिए अच्छे नहीं है। बिकॉज इन दिस बैटल ऑफ सुपरमेसी हम लोग क्या देखते हैं कि जो छोटे छोटे खिलौने जो खेल खेल रहे हैं उनको देखते हैं हम, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इन खिलौने का जो रिमोट है वो किसके हाथ में है। इस समय सारा रिमोट चाइना है और उसको ऑपरेट पाकिस्तान कर रहा है। आई एम वेरी श्योर इन कमिंग डेज यू विल फाइंड, देखिए जो अपराइजिंग यहाँ पे हो रही है जिस तरीके से उनके अहमद मसूद के बयान आए थे, उन्होंने इमोशनल बयान दिए थे, तो उसका इम्पैक्ट आस्ते आस्ते होगा, और इट मे हैपन दैट यू नो दिस अपराइजिंग स्टार्ट्स इन द एंटायर अफगानिस्तान विच विल बी ए डेथ नो काइंड ऑफ ए थिंग फॉर द तालिबान रीजिम, एंड लेट्स होप इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गुड थिंग हैपेंस एंड ह्यूमैनिटी डजंट सफर। ठीक है पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, पांच के पंच में अपना समय निकालने के लिए। पठानिया साहब बता रहे थे कि आखिर अमेरिका की खामोशी क्या है, और वाकई आपने कहावत तो सुनी है कि जब तूफान आता है तो उससे पहले शांति कहीं ना कहीं होती है। फिलहाल